हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल. आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर. गाइस, अब प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें. तो इस वीडियो में आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 9th के चैप्टर नंबर 6, लाइंस एंड एंगल्स से एग्जाम्पल नंबर 6. इन फिगर 6.27, तो ये फिगर आपको क्वेश्चन में गिवन है. इफ़ ए बी इज़ पैरेलल सी डी, यहाँ पे आपको क्या गिवन है, ए बी आपका पैरेलल है यहाँ पे सी डी के, एंड सी डी पैरेलल ई एफ, और सी डी आपका किसके पैरेलल है, ई एफ के. तो यहाँ देखो, तो ए बी पैरेलल है सी डी के, तो मैंने यहाँ पे ऑरेंज लाइन ड्रॉ किया है, और सी डी पैरेलल है ई एफ के, तो मैंने यहाँ पे पिंक लाइन ड्रॉ किया. यानी कि देखो, इस पे ऑरेंज लाइन भी और पिंक लाइन भी है, इसका मतलब ये लाइन दोनों के पैरेलल है. तो हमारी जो थ्योरम है कि अगर इस तरह से कि कोई एक लाइन है जो, यानी कि ये वाली जो लाइन है, इन दोनों लाइन के पैरेलल है, लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, यानी ये दोनों लाइन सेम लाइन के, एक ही लाइन के पैरेलल है, तो वो तीनों लाइन आपस में क्या होगी, पैरेलल. तो इसको भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. ऑल्सो ई ए परपेंडिकुलर ए बी, ऑल्सो जो ये ई है ए बी पे क्या है, परपेंडिकुलर है. परपेंडिकुलर तो आपका ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का. ये आपको यहाँ क्वेश्चन में नहीं गिवन है, बट ये परपेंडिकुलर गिवन है, इसका मतलब आपका एंगल 90 डिग्री है. इफ बी ई एफ 50 डिग्री, ये रहा बी ई एफ आपका 55 डिग्री है. फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड, तब आपको क्या करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है. तब सबसे पहले यहाँ पे देखो, आप कैसे यहाँ पे वैल्यू को फाइंड करोगे. तो अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट लाइन को देखती हूँ, अगर मैं ए बी पैरेलल सी डी को देखती हूँ, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो आप यहाँ पे देखो बाकी सारी चीज़ को आप यहाँ भूल जाओ. ये लाइन मेरी इस लाइन के पैरेलल है, इसको मैंने यहाँ पे ट्रांसवर्स से ले लिया, ट्रांसवर्स से ले लिया. तो देखो, ये एंगल एक्स एंगल वाई के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल लग रहा है, ये एफ बन रहा है इस तरह से. तो सेम डायरेक्शन वाले एंगल जो आपके क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग होंगे. तो एंगल एक्स आपका एंगल वाई के इक्वल हो जाएगा, कौन से रीजन से, करस्पॉन्डिंग एंगल एक्ज्यूम की वजह से. फिर आपका सी डी पैरेलल है ई एफ, तो ये देखो, ये सी डी जो आपका इस साइड, अब आप इसको छोड़ दो, ये वाला साइड छोड़ दो, तो अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये सेम साइड बन रहा है, ये ई बन रहा है. एक मिनट रुको, इसको भी छोड़ दो, ये पूरा ऊपर वाला पोर्शन है ना, वो सारा भूल जाओ अभी, सिर्फ आप क्या करो, ये वाला देखो. तो आपका यहाँ पे क्या होगा, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल और ये मेरा ट्रांसवर्सल है, ये वाला, ठीक है. इस लाइन को भी भूल जाओ, ऊपर दिख रही है वो. तो आप यहाँ पे देखो, ये आपका ई बन रहा है, ई पे आपका क्या होता है, सम ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल का सम 180 डिग्री होता है. तो वाई प्लस 55 आपका क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा. यहाँ से हमें वाई मिल जाएगा, वाई हमारा एक्स के इक्वल है, तो यहाँ से हम एक्स और वाई की वैल्यू को तो फाइंड कर लेंगे. सबसे पहले एक्स और वाई की वैल्यू को हम यहाँ पे फाइंड करते हैं. तो गिवन, वन बाय वन लेते हैं, ए बी पैरेलल हमें गिवन है सी डी के, एंड यहाँ पे ट्रांसवर्सल कौन सी है, बी ई इज ट्रांसवर्सल, एंड बी ई इज ट्रांसवर्सल. सो देखो, मैं आपको यहाँ पे इसी पोर्शन का एंगल फिगर बनाकर देती, ये ए बी है, ये सी डी है, ये ए बी है और ये सी डी है, और यहाँ पे मेरा है बी ई ट्रांसवर्सल, ये मैंने बी ई, सॉरी यहाँ से पास होना चाहिए था, चलो ठीक है, ये पॉइंट में बी ले लेती हूँ, ठीक है, ये बी ई मेरा ट्रांसवर्सल है. तो ये जो एंगल है मेरा, ये वाला आपके क्या हो जाएगा, इक्वल होगा किसके, इसके, एंगल एक्स इक्वल टू मेरा होगा एंगल वाई के, क्यों, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है इसलिए. तो सो एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई हो जाएगा. रीज़न क्या लिखेंगे आप, करस्पॉन्डिंग जो एफ पे बनते हैं वो एंगल हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इस रीजन में से. इसको हम इक्वेशन नंबर वन ले लेते हैं. फिर दूसरी हिंट हमें यहाँ पे कि मैंने सी डी पैरेलल ई एफ, तो देखो हम यहाँ से क्या राइट कर सकते हैं, ऑल्सो सी डी पैरेलल है मेरा ई एफ के, एंड यहाँ पे ट्रांसवर्सल कौन है, ये बी ई हमारी ट्रांसवर्सल है, एंड बी ई इज ट्रांसवर्सल. तो अब आपका क्या हो जाएगा, वाई प्लस जो हमारे ई पे बनते हैं वो एंगल, उन दोनों एंगल का सम हमारा कितना होता है, 180 डिग्री होता है. तो यहाँ पे भी ये ई पे बन रहे हैं, तो वाई प्लस 55 हमारा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री. तो सो वाई प्लस एंगल वाई प्लस 55 डिग्री इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री. तो रीज़न आप यहाँ पे क्या लिखोगे, सम ऑफ कंसेक्यूटिव, सम ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल्स, ठीक है. तो अब यहाँ पे वाई की वैल्यू हम इजीली फाइंड करते हैं, क्योंकि इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है हमारा,
तो एंगल वाई इक्वल टू हो गया 180 डिग्री प्लस 55, इधर जाके हो जाएगा माइनस का 55। तो एंगल वाई इक्वल टू 180 में से 55 गया तो आपका कितना बच गया 125 डिग्री। तो इक्वेशन टू हो गई, और हमें इन दोनों इक्वेशन से पता है, इक्वेशन वन और टू से, कि जितना वाई है उतना ही एक्स है। तो सो या देयर फॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई इक्वल टू 125 डिग्री। तो ये हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया, ठीक है। एक तो ये हमें फाइंड करना था, अब हमारा एंगल जेड बच गया, ठीक है। अब हमें एंगल जेड फाइंड करना है, तो एंगल जेड फाइंड करने के लिए आप यहाँ पे क्या करो, बीच वाली लाइन को यहाँ पे छोड़ दो, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे तो इससे ये तो कोई ट्रांसवर्सल है नहीं कि आपका यहाँ से इस पे बन जाए, नहीं ए बी पैरेलल सी डी से कुछ हो जाए। अब आपका यहाँ पे क्या होगा, ए बी पैरेलल हमें ई एफ लेके आना होगा, तो वो तो हम थ्योरम नंबर जो है हमारी 6.6 उसे लेकर आ जाएंगे, ठीक है। अब आपका 90 का यहाँ पे, क्योंकि जेड हमें एंगल चाहिए, तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, इस लाइन को एक बार थोड़ी देर भूल जाओ, ये लाइन इसके पैरेलल है, ए इज ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये देखो फिर से ई बन रहा है, ई बन रहा है, इसका मतलब आपका क्या हुआ, सम ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल अगेन 180 डिग्री होगा जो हमने अभी यहां लगाया था। तो ये 90 प्लस जितना ये एंगल है उतना ही ये एंगल है, इन दोनों जितना ये एंगल है, यानी इस पॉइंट पे जितना एंगल बन रहा है, इस पॉइंट पे जितना एंगल बन रहा है, उसका सम आपका फिर से 180 डिग्री हो जाएगा, अगेन सम ऑफ कंसेक्यूटिव। तो 90 प्लस जेड प्लस 55 इक्वल टू आपका 180 हो जाएगा, और यहां से हम एंगल जेड फाइंड कर लेंगे। तो उससे पहले हमें थ्योरम 6.6 यहां पे लिखनी पड़ेगी। तो नाउ हियर हमें आपको गिवन है, यहां पे ए बी पैरेलल सी डी गिवन है, एंड सी डी पैरेलल आपको ई एफ गिवन है। तो यहाँ पे क्या लिख लोगे, देयर फॉर ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है, यानी कि ये तीनों आपस में पैरेलल हो जाएगी, देयर फॉर ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल आपकी हो जाएगी ई एफ, ठीक है। या फिर आप सिर्फ ये भी लिख सकते हो कि ए बी पैरेलल ई एफ हो जाएगी। तो ये आपसे ने कहाँ से लिखा, लाइन्स विच आर पैरेलल lines which are parallel to the same line are parallel to each other, ठीक है। इस वजह से ये तीनों आपस में क्या हो गए, पैरेलल हो गए। तो नाउ अब आप यहाँ से सिर्फ क्या लोगे, मुझे सिर्फ ये लाइन इस लाइन के पैरेलल चाहिए, तो मैं लिखूंगी नाउ ए बी इज पैरेलल टू ई एफ, एंड ट्रांसवर्सल कौन है यहाँ पे, ट्रांसवर्सल कौन है मेरी यहाँ पे, ए ई वाली ट्रांसवर्सल ले रही हूँ, मैं ये वाली ट्रांसवर्सल यहाँ पे नहीं ले रही। तो ये ट्रांसवर्सल से आपका आंसर आ जाएगा। तो नाउ एंड ए ई इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो आपका यहाँ पे अगेन सम ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल इक्वल होगा, तो देयर फॉर एंगल, ये वाला जो 90 डिग्री एंगल है वो हमारा कौन सा है, हम इसको ई ए बी ले लेते हैं और ए ई एफ ले लेते हैं, दोनों का एंगल का सम 90 डिग्री, एंगल ई ए बी प्लस एंगल ए ई एफ ले लिया, ए ई एफ दोनों का सम हमारा कितना हो गया 180 डिग्री। तो सेम रीजन जो हमने ऊपर लिया था, सम ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। तो अब आप वैल्यू पुट कर लो, इसकी वैल्यू तो हमें पता है 90, और इसकी कितनी है जेड प्लस 55। तो ये हो गया 90 डिग्री प्लस एंगल जेड प्लस 55 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। इजीली अब सॉल्व करके एंगल जेड क्या आ जाएगा, कि इस इक्वेशन में सिर्फ यही वेरिएबल है, बाकी सब सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको आपने ऐड करोगे तो एंगल जेड 90 प्लस 55 हो गया 145 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल जेड आपका कितना हो जाएगा, 145 को इधर आना पड़ेगा, तो ये प्लस 145 इधर आके माइनस का 145 हो गया, तो एंगल जेड आपका 180 में से 145 गया तो 35 डिग्री हो गया। एंगल जेड आपका कितना हो गया, 35 डिग्री। तो एंगल एक्स हमने पहले फाइंड कर लिया, वाई भी फाइंड कर लिया, और जेड भी यहाँ पे फाइंड कर लिया। फाइनल आंसर आपको जरूर लिखना है, हैंस एंगल एक्स इक्वल टू 125 डिग्री, एंगल वाई इज ऑल्सो 125 डिग्री, एंड एंगल जेड इक्वल टू 35 डिग्री, ठीक है। फाइनल आंसर आपको जरूर लिखना है, इसका हाफ मार्क्स होता है। तो आई होप आपको क्वेश्चन इजीली अच्छे से समझ में आ गया, कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप क्वेश्चन में आपको अपने आप आइडिया आएगा कि एक्स कैसे फाइंड करना है, वाई कैसे फाइंड करना है। तो उसके लिए आप अपने बेसिक्स अच्छे से क्लियर करो, सारे थ्योरम्स को अच्छे से बिल्कुल रट लो, बिल्कुल के स्टेटमेंट सारे आपको अच्छे से याद होने चाहिए, तभी इन क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।